जिन कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वो मरीजों की तकलीफ को समझेगा, उसे दूर करने की कोशिश करेगा, मन चला रहा वो डॉक्टर अब भारतीय दंड संहिता की धाराओं में कैद है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग के जिला अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में एक महिला का प्रसव कराने पहुंचा तो अपने शपथ पत्र तक को भूल गया कि मरीजों के साथ अपने सरोकारों को, फिर क्या, मोबाइल निकाला और बनाने लगा उस महिला का MMS। एक ऐसा वीडियो जो उस महिला की जिंदगी को अंधकार के पाताल में घसीट ले जाता। मैं इसकी शिकायत अपना कलेक्टर महोदय को दिया हूँ और CSP साहब को दिया हूँ और CMO को दिया हूँ। इसकी कार्रवाई मैं FI दर्ज करवाना चाहता हूँ और वीडियो क्लिपिंग को जब्ती करवाना चाहता हूँ। इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ। शिकायतें होती रही, अस्पताल से थाने परिजन दौड़ते रहे, लेकिन जब सामाजिक बर्बरता का व्यवहार कुछ लोगों के बचाव का हथियार बन जाए तो ऐसी खबरों पर हम और आप सिर्फ तड़प सकते हैं। लेकिन जुर्म की इंतहा के खिलाफ इनकलाब हर समाज का आखिरी औजार होता है। परिजनों ने हंगामा किया, सरकारों की पत्रकारिता करने वाली खबर भारती ने पीड़ितों के दर्द को समझा तो कानून के रखवालों ने भी मामले की बारीकियों को समझा। जो उनके डॉक्टर, जो चार इंटर्न डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है, वो अभी प्रिवेंटिव सेशन में गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि अभी जो मूल अपराध है उसमें अभी तक एविडेंस कलेक्ट नहीं हुए हैं। चाहे सभी लोग के मोबाइल सीज कर लिए गए हैं, उस मोबाइल को परीक्षण के लिए भेजा जाएगा और उस मोबाइल के आधार पर यदि मान लो ये आता है कि उसमें MMS बनाया गया है और वो MMS उस घटना का है जिसका आरोप किया गया है, तो उसमें फिर जो है IT Act की धारा जोड़ी जाएगी। और सुनिए, जब ये वीडियो बन रहा था तब उस वार्ड में दर्जनों लोग मौजूद थे। कोई आला और सुइयों को देने की ट्रेनिंग ले रहा था तो कोई उसकी मदद के लिए वहां मौजूद था। एक महिला भी वहीं मौजूद थी और इस पूरे खेल में बराबर की हिस्सेदार थी। शर्मिंदा करने वाली ये खबर जब अस्पताल में पसरी सन्नाटे को चीरती हुई अधिकारियों तक पहुंची तो हड़कंप मच गया। आनंद फानन में 5 ट्रेनिंग डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया गया और 2 स्वास्थ्य कर्मियों को। हम दृष्टया इसी को बहुत गंभीरता से लेते हुए और परिजनों के आरोप को देखते हुए जो इंटर्न हैं वहाँ पर, उन सभी को और MPW जो प्रशिक्षण है उनको निलंबित कर दिया गया है और जो स्टाफ है वहाँ से हटा दिया गया है और उसकी विभागीय जांच चल रही है। विभागीय जांच की पूरी प्रोसीडिंग्स उच्चाधिकारियों को डायरेक्टरेट प्रेषित की जाएगी। दुर्ग उसी छत्तीसगढ़ का हिस्सा है जहां की तरक्की को रमन सिंह आसमानी स्थानों की तरह पेश करते हैं। ये सब कुछ उसी दुर्ग में हुआ है जहां स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर करोड़ों का कारोबार होता है। छत्तीसगढ़ को नाज है इस शहर पर, लेकिन करोड़ों के निवेश के दावों के सामने खड़ा ये वो नंगा सच है जो एक सभ्य समाज के लिए शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं हो सकता। खबर भारती के लिए दुर्ग से विनोद दुबे की रिपोर्ट।